कराची में मलीर नदी बिफर गई, करंगी नदी जेरियाब आ गई, कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए दो अफराद पानी में बह गए। बलोच पुल से गोदाम चुरंगी जाने और आने वाली सड़क बंद। ट्रैफिक को गोदाम चुरंगी से जान सादिक ब्रिज की तरफ मोड़ दिया गया। बलोच पुल से ट्रैफिक एक्सप्रेसवे कयूमाबाद की जानिब से मोड़ दिया गया। मेयर कराची कहते हैं सूरत हाल देख कर मजीद फैसला करेंगे। मुल्क भर में बारिशों से तबाही, 24 से 25 जुलाई के दौरान हादसात में 12 अफराद जान बहक, 10 जख्मी हुए। एनडीएमए ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्वात और मानसहरा में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद और मंडी बहाउद्दीन में एक एक मौत रिपोर्ट। बारिशों के बाईस 54 मकानात को जुजवी और मुकम्मल नुकसान पहुँचा। द्यामिर के मजाफात में बारिशों ने तबाही मचा दी। हुडरो और खेनर वैली में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मकानात फसलें बागात को नुकसान पहुंचा। शाराह कराकुरम चलास्ता गिलगित सेक्शन की मुकम्मल बहाली ना हो सकी, गाड़ियों की कतारें लग गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डेरा गाजी खान कैनालों में सैलाब का इम्कान। दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग डैम के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा और तौसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आरिफवाला में दरियाए सतलुज के किनारे मुतादिद छोटे बंद पानी में बह गए। हैदराबाद, छट्ठा, बदीन, गनकोट, टंडो, मोहम्मद खान समेत दीगर शहर भी पानी पानी। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में मूसलाधार बारिश। नाड़ी नदी से 40,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। कौमी शाहरा बंद होने से सिब्बी से क्वेटा शटल ट्रेन रवाना। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट में 54 तरमीम का फैसला। शिक 230 में तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत को मईशत समेत ज़रूरी फैसलों का इख्तियार होगा। आलमी इदारों से मुआहदे भी कर सकेगी। दस्तावेजात के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतायज फौरी ईसी और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नतायज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। नादरा ईसी को नए शराख्ती कार्ड के रिकॉर्ड की फराहमी का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में असम्बली या सेनेट की नशस्त पर हलफ लेने का पाबंद होगा। उम्मीदवार के हलफ ना लेने वाली सीट खाली तस्वीर की जाएगी। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तंसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान का पैमरा के नए बिल पर रद्द अमल। विदान पटेल का कहना था पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफत से मुतालिक खदशात का इजहार करते हैं। आज़ाद प्रेस किसी भी कौम और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम है। अमरीका का भारतीय रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाकयात पर अफसोस का इजहार। कहा तशद्दुद के वाकयात ने हैरान और खौफजदा किया। खवातीन पर ऐसा तशद्दुद किसी महज़्ज़ब मुआशरे में शर्मनाक है। आवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया गया। महाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारफीन को 16.5 रुपये फी यूनिट चार्ज होगा। 200 यूनिट का टैरिफ 23 रुपये, 300 यूनिट का टैरिफ 27 रुपये, 400 यूनिट का टैरिफ 32 रुपये, 500 यूनिट का टैरिफ 35 रुपये और 700 यूनिट का टैरिफ 42 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज किया जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी यूनिट टैरिफ 50 रुपये से बढ़ जाएगा। बिजली के साथ गैस बम भी गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 10 रुपये इजाफा, नई कीमत 220 रुपये फ़ी किलो हो गई। पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपये महंगा। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का कहना है मुल्क भर में एलपीजी ब्लैक में फरोख्त की जा रही है, किसी जगह भी सरकारी कीमत में गैस दस्तियाब नहीं। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब में शरीक होंगे। तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म से कराची के ताजरों की मुलाकात भी मुतवक्को। भारत से पाकिस्तान आने वाली अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी नाम फातिमा रखा। दीरबाला के नसरुल्लाह से मुकामी अदालत में निकाह भी हो गया। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। फातिमा का हक महर 10 तोले सोना और 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया। निकाह कारी शमरोज खान ने पढ़ाया, जबकि शादी के गवाहान में फरीदुल्ला और मोहम्मद रहीम के नाम दर्ज हैं। शादी के बाद नौ बिहाता जोड़े ने दीरबाला के सियाहती मुकाम का रुख कर लिया। लवारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में
टिकटॉक वीडियोस बनाई और मौसम से लुत्फंदोज हुए। नई दिल्ली की 35 साल लड़की की फेसबुक पर 29 साल नसरुल्ला के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना था नसरुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। कोलंबो टेस्ट तीसरा रोज पाकिस्तान अपनी नामुकम्मल इनिंग का आगाज करेगा। कौमी टीम को 12 रन की बढ़तरी हासिल, 3 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, 87 रन बनाए। बाबर आजम की 28 रन। पहली इनिंग में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर हो गई। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकायक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर वन न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।